हेलो एवरीवन, लोकल कोचिंग में आपका स्वागत है। तो मैं आप लोग के लिए स्पोर्ट करंट अफेयर्स के ऊपर एक सीरीज लेकर आया हूं, और इस सीरीज में मैं जितने भी स्पोर्ट्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसे मैं कवर करूंगा। इस सीरीज में मैं जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक का जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसे मैं कवर करूंगा, और वीडियो का जो लैंग्वेज जो होगा ये दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और प्रत्येक वीडियो में, इच वीडियो में मैं टोटल 20 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो स्पोर्ट करंट अफेयर्स पार्ट वन का जो पहला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम इंडिया 66 चेस ग्रैंड मास्टर, भारत का 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो 66वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम जी आकाश है। अब थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं, जी आकाश कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं, ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जी आकाश कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर किस खेल इनका ये कौन सा गेम खेलते हैं, इस तरीके से भी। और अगर और डिटेल्स में मैं जाऊं तो जो सबसे पहला ग्रैंड मास्टर जो बने थे शतरंज का ग्रैंड मास्टर, इनका नाम विश्वनाथन आनंद है। और जो सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, इनका नाम डी गुकेश है। क्या है? डी गुकेश, जो कि इंडिया का सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक अपडेट हो जाए। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हु वॉन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जिन्होंने जीता, इनका नाम बेल्ट्री बोट्स है। क्या है? बेल्ट्री बोट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, विच इंडियन प्लेयर हैज बीन नेम्ड द कंट्री मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय विजडन? किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन द्वारा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का नाम दिया गया है? तो इनका नाम रविंदर जडेजा है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड नाडा ऐप फॉर एथलेटिक्स? तो एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने नाडा ऐप लॉन्च किया है। एग्जाम में कभी कभी नाडा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एन से नेशनल, उसके बाद ए से एंटी, डी से डोपिंग और ए से एजेंसी। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। और नाडा का जो हेड क्वार्टर है, नाडा का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नाडा का हेड क्वार्टर ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसका स्थापना कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 नवंबर 2005 में नाडा का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खाली स्थान तक स्थगित कर दिया गया है। ये तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट ये जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर, विच साउथ अफ्रीकन प्लेयर वाज अवार्डेड मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्विंटन डिकॉक है, क्विंटन डिकॉक इनका नाम है, और ये साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर हैं। इसके बाद सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन अंपायर हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी एलाइट पैनल? भारतीय अंपायर का नाम क्या है जिसे आईसीसी एलाइट पैनल में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है नितिन मेनन।
इनका नाम क्या है, नितिन मेनन, जिनको आईसीसी एलाइट पैनल में शामिल किया गया है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-2020 टाइटल, किस टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-2020 का खिताब जीता है। तो जो टीम है जिसने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है 2019-2020 का, इसका नाम लिवरपूल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, चौथा एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा बहरेन में, और बहरेन का कैपिटल कहाँ है, तो बहरेन का जो राजधानी है ये मनमा में है। इसका बहरेन के राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, तो मनमा है, मनमा। कभी कभी एग्जाम में राजधानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, हु वॉन शारजाह ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप, शारजाह ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप किसने जीता। तो जिन्होंने शारजाह ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीता है, इनका नाम सखरियर मामदेरोव है, सखरियर मामदेरोव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, विच टू कंट्री विल होस्ट दी फीफा वीमेन्स वर्ल्ड कप 2023, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किन दो देशों में की जाएगी। तो ये जो दो देश हैं जहां पे फीफा वीमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का जो मेजबान किया जाएगा, तो एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है ये कैनवरा है, और न्यूजीलैंड के कहाँ है, तो न्यूजीलैंड के वेलिंगटन है। इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU हैज बीन बैन गोमथी मरीमुथु फॉर हाउ मेनी इयर्स। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने गोमथी मरीमुथु को कितने साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। तो टोटल कितने सालों के लिए प्रतिबंध किया है, तो फोर इयर्स, चार साल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13th नंबर, द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन हैज अवार्डेड द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2022 वीमेंस एशिया कप टू विच कंट्री, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार से सम्मानित किया है। तो ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन, बबीता फोगाट एंड कविता देवी अपॉइंटेड एज स्पोर्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ विच स्टेट, बबीता फोगाट और कविता देवी को किस राज्य के खेल उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा के लिए इनको स्पोर्ट डिप्टी डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा, इसका मेजबानी करेगा हरियाणा। इसके बाद 16th नंबर क्वेश्चन, 13th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2020 विल बी प्ले इन विच कंट्री, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का 13वां संस्करण किस देश में खेला जाएगा। तो ये खेला जाएगा यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17th नंबर, श्रीपाली बीराकोडी हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री, श्रीपाली बीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये किस देश के रहने वाली है। तो ये श्रीलंका के रहने वाली है। इसके बाद 18th नंबर क्वेश्चन, हु वॉन दी
हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो जिन्होंने जीता हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, इनका नाम लेविस हैमिल्टन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर। इंडिया लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर हैज बीन बैंड बाय वाडा फॉर हाउ मेनी इयर्स। भारत के लंबी दूरी के धावक किरणजीत कौर को वाडा के द्वारा कितने सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये टोटल 4 इयर्स के लिए इनको प्रतिबंध लगाया है। और वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियाल में है। और ये मॉन्ट्रियाल कहाँ है? तो कनाडा में है। और कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा का कैपिटल कहाँ है? ओटावा। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन 20th नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेवेंथ बॉलर हु टुक 500 विकेट्स? 500 विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज का नाम क्या है? तो 500 विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज जो बने हैं, इनका नाम स्टुअर्ट ब्रॉड है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। और इन्होंने जो 500वां विकेट लिया, ये किस खिलाड़ी का विकेट लिया? तो क्रेग ब्रेथवेट का इन्होंने विकेट लिया। और क्रेग ब्रेथवेट कहाँ के से खेलते हैं? तो ये वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हैं। तो ये स्पोर्ट करंट अफेयर जो हम एक सीरीज लेकर आए हैं, ये इसका पहला पार्ट है। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आता है आपको, तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।